अक्सर बैंक की तैयारी बच्चे करते हैं लेकिन उनके माइंड में एक डाउट आता है कि रिटर्न एग्जाम्स तो हम निकाल लेंगे, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चों का कहना है कि सर बैंक के ऊपर ज्यादा से ज्यादा वीडियो लेकर आइए, आप सबका प्यार इस तरह ही मिल रहा है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैंक में इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वो कॉमन क्वेश्चन है जो यूजुअली आप किसी भी बैंक के किसी भी पोस्ट में चले जाओ आपसे पूछे ही जाएंगे। तो अगर आप भी बैंक जॉब में इंटरेस्ट रखते हो, बैंक जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्लर्क, PO, SO, तो आपको ये वीडियो जरूर से देख लेनी चाहिए। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। और आज मैं कुछ क्वेश्चंस आपको डिस्कस करूंगा और ये भी बताऊंगा कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो क्या सोच के रखना चाहिए, किस तरह के आंसर देने चाहिए, किस तरह का आपके साथ होने क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या होगा। आठ 400 400 400, जी हाँ, ये नंबर आपको फिट करना है अपने व्हाट्सएप पर। फिर आपकी चाहे मैथ्स की क्वेरी हो, फिजिक्स की क्वेरी हो, केमिस्ट्री या बायोलॉजी कोई भी क्वेरी हो, उसका सलूशन आपको विद इन ए सेकेंड वीडियो सलूशन आपको अपने व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। आपको बस करना क्या है, व्हाट्सएप पर 8 400 400 400 को सेव करना है और आपको चैटबॉक्स को ऑन करना है। उसके बाद कोई भी क्वेरीज आपकी है तो सबसे फोटो खींचनी है, क्रॉप करना है और सेंड कर देना है। जैसे आप सोल्यूशन आपको तुरंत मिल जाएगा। आप चाहे 6th to 12th ITJEE नीट या CBSE स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो फटाफट जाइए, देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिली जाएगा। डाउटनेट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को पता है कि बैंक जॉब पाने के लिए पहले प्रीलिम एक एग्जाम्स होता है, फिर मेंस होता है। दोनों एग्जाम क्लियर करने के बाद एक इंटरव्यू होता है, जो ग्रुप इंटरव्यू होता है। इसमें काफ़ी 4-5 लोग सामने आपके बैठे होते हैं, जो ओल्ड बैंक मैनेजर्स या IBPS के रैंक होल्डर या IBPS के जो सीनियर्स हैं, रिटायर्स लोग हैं, वो वहाँ पर होते हैं। तो वो आपसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उनका मेन मोटिव रहता है आपको आपके कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करना, आप कितने आंसर सही दे रहे हो, कितने आंसर गलत दे रहे हो। ये मैटर नहीं करता, लाइफ में एक चीज़ याद रखें, किसी भी इंटरव्यू में आप कितने आंसर सही दे रहे हो, कितने आंसर गलत दे रहे हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप आंसर दे रहे हो क्या, आप होपलेस तो नहीं हो रहे हो, आप चुप तो नहीं बैठ रहे हो, आपको सोचना तो नहीं पड़ रहा है, आप एग्रेसिव तो नहीं हो रहे हो, पेशेंस आपके अंदर कितने हैं। ये सब चीज़ें चेक करने के लिए इंटरव्यू रखा जाता है, जिसे हम एप्टीट्यूड इंटरव्यू कहते हैं, जिसे हम पर्सनल इंटरव्यू भी कहते हैं। तो हर सेक्टर में इंटरव्यू होता है। बैंकिंग सेक्टर की अगर इंटरव्यू की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में अक्सर इस तरह के सवाल आप सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। नंबर वन, आपने बैंकिंग सेक्टर ही क्यों चुना? आपसे पूछा जाएगा कि इतनी सारी फील्ड है दुनिया में, आपने बैंकिंग को ही क्यों चुना? तो जब उम्मीदवार इस तरह के क्वेश्चन सुनता है तो वो बस ये जानना चाहते हैं कि उस वो क्या कहेगा। तो आपको बस अपने इंटरेस्ट के बारे में बताना है, बैंक में मिलने वाली फैसिलिटीज़ के बारे में बताना है, आप कैसी जॉब पसंद करते हैं, सिटिंग जॉब पसंद करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मेंशन करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आप हमारे ही बैंक में क्यों आना चाहते हैं? तो आप सिंपली क्या करें, आप ऐसे में अगर आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि आप बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB बैंक, SBI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, हर एक बैंक का अलग अलग इंटरव्यू पोर्शन होता है, तो वो कहेंगे हमारी बैंक में क्यों आना चाहते हैं। तो आप उस बैंक के अचीवमेंट्स याद करके जा सकते हैं, ताकि आपसे वो अगर पूछे तो आप उन्हें बताएं कि आपके बैंक ने ये अचीव किया है अब तक जब से उसकी स्थापना हुई है। तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं इस अचीवमेंट्स में भागीदार हूँ और आगे और तरक्की कर पाए हम लोग साथ मिलके, इस तरह की बात। तो सबसे बड़ी बात है, एक क्वेश्चन आता है इसमें कि हम आपको इस पद पर क्यों चुने। तो ऐसे में आप अपने मिलने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बता सकते हैं कि इस पोस्ट पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिलने वाली है, मुझे वो काम करने में बड़ा मज़ा आता है और मैं वो काम अच्छे से कर सकता हूँ और मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को करके दिखा सकता हूँ या दिखा सकती हूँ। तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारी बैंकिंग मार्केट के बारे में आप क्या जानते हो, बैंक के बारे में आप क्या जानते हो, इकोनॉमी के बारे में आप क्या जानते हो, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हो। तो थोड़ा सा इस लेवल पर भी आपको पढ़ के जाना चाहिए, इकोनॉमी लेवल पर, बैंकिंग लेवल पर और मार्केटिंग लेवल पर। जैसे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पिछली जॉब के बारे में बताओ, पहले क्या करते थे। तो अगर आप पहले किसी प्राइवेट सेक्टर में थे तो वहाँ से आप उसके बारे में पूछे हैं, बल्कि आप किसी प्राइवेट सेक्टर में बैंक में भी जाओगे तो वहाँ भी आपसे ये पूछा जाता है। तो ये पूछा जाता है कि आप तो उसके बारे में आप जो भी है आप फेयर बताएं, एक्सपेक्ट वो करते हैं कि आप सरल और सिंपल आंसर दें, डिप्लोमेटिक आंसर ना दें, ताकि वो समझ जाएं कि ये केवल एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आता है कि बैंकिंग में जो अकाउंट्स होते हैं, फैसिलिटीज़ होते हैं, उनके बारे में बहुत पूछते हैं। तो आपको थोड़ा सा नॉलेज बैंक की जो फैसिलिटीज़ हैं, जैसे बैंक अकाउंट्स हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, NEFT है, RTGS है, इन सब के बारे में आपको पढ़ के थोड़ा सा जाना चाहिए। तो बच्चों ये होते हैं कॉमन क्वेश्चंस जो किसी भी बैंक की इंटरव्यू में
पूछे ही जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यही पूछे जाते हैं, इसके अलावा भी और क्वेश्चंस हो सकते हैं जो उनके माइंड में आए, लेकिन ये जनरल पूछे जाते हैं। इनके अलावा और भी क्वेश्चन होते हैं, बस सबसे पहले यही पूछे जाते हैं अगर आप किसी इंटरव्यू में जाना चाहें। और क्वेश्चन तो ऐसे हो सकते हैं कि जैसे आप अभी जिन स्टेट से चढ़कर आए हो उनमें वो कितनी है, आप जब जहाँ से आप गैलरी से आए हो तो वहाँ पर राइट साइड पे एक पोस्टर लगा हुआ था, उस पोस्टर पे क्या लिखा था, आपने जो शर्ट पहन रखी है इसमें कितने बटन्स है, ठीक है, आपके सिर पे कितने बाल है, ऐसे से क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप सिंपली कह सकते हो कि आप सर कितने बाल है, सर जितने आसमान में तारे गिन लो जाके। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो ऐसी आंसर का एक्सपेक्ट करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।